मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। तुम कौन हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? याद करो, मैं तुम्हारा माजी हूँ। तुम झूठे हो, जाओ यहाँ से। क्या तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा? ओफ। आपके माजी के पास उतना ही इख्तियार है जितना आप उसे देते हैं। हे, ध्यान करो, शराब पियोगे और सिगरेट भी। तुम दोबारा से आ गए? हे, क्या तुमने इन सब चीजों को मिस नहीं किया? देखो, मैं पहले से ही बदल चुका हूँ और यीशु की तरफ मुड़ चुका हूँ। हे, मेरा मजाक मत बनाओ, इस बात को कबूल करो, तुम उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं। तुम गुनहगार हो, दोबारा से मेरे जैसे हो जाओ। यहाँ आओ और एक घूंट पियो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं आखिर तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? मैं जा रही हूँ यहाँ से। आपका माजी बगैर सवाल किए आपका करदार और आपकी शख्सियत को बनाता है, लेकिन आपको उस जगह रहना नहीं है। नहीं, मैं अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ वापस नहीं जाऊंगा। क्या हुआ मेरे बेटे, आप क्यों रो रहे हो? यीशु, मेरा माजी मुझे बार बार तंग कर रहा है। मैं दोबारा से दुखी नहीं होना चाहता। मेरे बेटे, शैतान आपको बहका रहा है ताकि आप अपनी नजात पर शक करो, लेकिन अब आप मेरे साथ हो और अब आप गुनाह के गुलाम नहीं हो। आपके ख्यालात आपकी पसंद की रहनुमाई करते हैं। इस दुनिया की आरजी चीजों को भूल जाओ और अपने माजी में खोए ना रहो। अगर आप अपनी जिंदगी के पिछले चैप्टर को ही पढ़ते रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी के अगले चैप्टर को शुरू नहीं कर सकेंगे। वो नहीं चाहता कि आप माजी की गलतियों के कीचड़ में रहें, बल्कि वो ये चाहता है कि आप आगे बढ़ते जाएं और अकलमंदी से फैसला करें। क्या तुमने अपना जहन बना लिया? अब ये खत्म हुआ। हाँ, ये क्या हुआ? मैं इस जेल में कैसे बंद हो गया? मैं तुम्हें खुद पर काबू नहीं पाने दूंगा। मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे जानोगे। मैं ऐसा नहीं सोचता। खुदा का पाकरू मेरे साथ है। मैं दोबारा वही गलती बार बार नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हें इस जेल में से बाहर नहीं आने दूंगा। अब मैं यीशु मसीह के साथ बहुत खुश हूँ और मैं इस खुशी को तुम्हें छीने नहीं दूंगा। यीशु की वजह से मैं अब और ज्यादा तुम्हारे जैसा नहीं रहूंगा। क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। मुझे आप पे फखर है मेरे बेटे। आपका माजी आपको और तंग नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको इजाज़त ना दें अपने ख्यालात और जज्बात पर हुक्मरानी करने की।